हाँ, पुस्तकालय का नाम का जिक्र आते ही जहन में करीने से लगी किताबों की कतारें, पत्र पत्रिकाओं और अखबारों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन अगर लाइब्रेरी में किताबें ही ना हों तो वो कैसी लाइब्रेरी? लेकिन ये सच है, ऐसी ही तस्वीर एक लाइब्रेरी से आई है जो सूरत और गढ़ और घड़साना में है। नए जमाने की लाइब्रेरी, बिना किताबों वाली लाइब्रेरी हिट है। बड़ी संख्या में पढ़ने पहुंचते हैं छात्र। सादुल शहर में इन दिनों नई पीढ़ी की खास लाइब्रेरी बेहद लोकप्रिय बनती जा रही हैं। इन खास लाइब्रेरीज में न पारंपरिक पुस्तकालयों जैसे किताबों से भरे रैक हैं और न ही करीने से सजी किताबें। ये नई लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी जोन के तौर पर काम करती हैं, जहां छात्र छात्राएं अपनी अपनी किताबें लेकर आते हैं, वहां बैठकर पढ़ते हैं और वापस अपने घर, हॉस्टल या कमरे पर चले जाते हैं। और यहां पर समस्त सुविधाएं बड़े शहरों जैसी उपलब्ध करवाई जा रही है। अच्छा कंपटीशन का माहौल भी उपलब्ध करवाया गया है। घड़साना क्षेत्र के बच्चियां यहाँ पर आकर बढ़िया अध्ययन कर रही हैं। जो न्यूज़पेपर हैं, जैसे द हिंदू है, दैनिक जागरण है, जो यहाँ पे आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, वो स्टूडेंट्स को हम यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ ऐसी महंगी मैगजीन है जो बच्चे खरीदने में असमर्थ है, तो वो लाइब्रेरी में हम उनको दे रहे हैं। जी हाँ, घड़साना और सूरतगढ़ में चल रही इन स्टडी पॉइंट कम लाइब्रेरीज में छात्रों को शोर शराबे से दूर पढ़ाई के लिए एक शांत माहौल मिलता है, जहां बैठकर वो एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं। और फैमिली में पढ़ा नहीं जाता ढंग से, और लाइब्रेरी के अंदर कि हमें शांत माहौल मिलता है, हम ढंग से पढ़ पाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आते हैं। बाकी रूम पे हम पढ़ते हैं लेकिन अकेले में ना पढ़ नहीं पाते। यहाँ पे हम माहौल तैयार देखते हैं ना कि पास वाले भी पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से हम मतलब मोटिवेट होके पढ़ना शुरू कर लेते हैं। यूँ देखा जाए तो यहाँ पे अनुशासन है कि मतलब पढ़ना है तो बस पढ़ना ही है, टाइम के अकॉर्डिंग, इस हिसाब से। इन लाइब्रेरीज में पढ़ने के लिए छात्रों को तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं। माहौल तो है ही, जैसे एक दूसरे को देख के एक नियमितता बनी रहती है हमारी, रेगुलरिटी। घर में क्या होता है कि जैसे पाठक वर्ग नहीं है वहाँ पे, यहाँ सभी स्टूडेंट है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे गृहस्थी वाले बंदे हैं, मतलब कोई गृहिणी है, कोई काम करने वाले हैं, वहाँ हम बैठ के अगर पढ़ते हैं तो कोई ना कोई काम हो जाता है। यहाँ हम नियमित रूप से डेली आते हैं, एक औपचारिक रूप से हम अध्ययनशील रह रहे हैं। घड़साना में ऐसी ही एक लाइब्रेरी चलाने वाले इसे कम निवेश में कमाई का चोखा धंधा मानते हैं। बैठने का फर्नीचर, पीने का पानी, एसी, हीटर और न्यूज़पेपर जैसी बुनियादी सुविधाओं के बदले हर छात्र से 400 से 600 रुपए शुल्क लिया जाता है। प्रतियोगी युवाओं की बढ़ती संख्या ने इन बिना किताबों वाली लाइब्रेरी के नए कॉन्सेप्ट को हिट बना दिया है। कुलदीप गोयल, जी मीडिया, सादुल शहर।